आज से पहले कई बार अबीर ने मुझसे झूठ बोला है, ऊंची आवाज में भी मुझसे बात की, लेकिन आज पहली बार उसकी बात मुझे यहाँ हर्ट हुई है। कि मैं जानता हूं कि वो जो कुछ भी कह रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, वो अपने प्यार को इस खतरे से बचाने के लिए कर रहा है। पापा, और खुशी, खुशी की क्या गलती है? वो बेचारी तो कोई सिर्फ फायदा नहीं, नहीं मैं बोली कोई फायदा ही नहीं, ये कभी किसी की नहीं सुनते, ना आज तक मेरी सुनी और ना ही उस सूरवी की। क्या है ना, इनको बहुत साल मनाने की कोशिश की, पर इन्होंने मेरे वास्ते कुछ किया इच नहीं। ये भाव इधर ना सब कुछ खुद इच करना पड़ता है। नहीं मैं तो जास्ती जिंदगी में इनसे कुछ मांगी भी नहीं थी, पर फिर भी देख खाली हाथ। जिस दिन तुम जैसी औरतों की बातें भगवान ने सुन ली ना, उस दिन दुनिया में अपोकलिप्स होगा। आप, 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 क्या होगा? कयामत। क्योंकि उस दिन राइट वुड हैव लॉस्ट द बैटल एंड रॉन्ग वुड हैव वन। शैला, ये तू और तेरी बेवकूफी ऐसे मेरे साथ जब इंग्लिश में घिट पिट करते ना, इसे तरतरी बज जाती है मेरे कान में। सही में वैसे तू ये जो कुछ भी बोला ना, राइट रॉन्ग लूज भिन, थोड़ा बहुत समझ में आया मेरे को। तेरे को एक बात बताती है मैं, पते की अभी मैं जो खेल खेल रही है ना, बहुत खतरनाक खेल खेल रही है। अभी राइट जीते कि रॉन्ग जीते, मैंने तो दोनों घोड़ों पे पैसा लगा दिया रे बाबा। मुझे कहा है कुछ भी हो जीतता ही किच होगी। इस बार ये जो दो कैरेक्टर बचे ही ना इस परिवार के, मंजे बरवे परिवार के, कार्तिक और तेरी बहू खुशी, इस बार इन दोनों को ताई से तो कोई नहीं बचा सकता। इसने तेरे को बोलती है तू अपने काम से मतलब रखना, मस्त पे किया ऐसा पैर फैला हाथ फैला अनि आराम कर। तो बोलते हैं ना, पैसा फेंक अनि तमाशा देख। इधर ऐसा नहीं हो, इन लोग के चक्कर में चाहे तू भी लंबा पड़ जाए। हम दोनों में यही फर्क है कि मैं अपने आप से नजरें मिलाए बिना जी नहीं सकता, क्योंकि मेरे अंदर का कॉन्शियंस आज भी जिंदा है। आई एम नॉट डेड फ्रॉम इनसाइड लाइक यू, समझी? आई एम डेड, फुल्ली डेड। मर चुका है मेरे अंदर का सब कुछ। जिस दिन मेरे बच्चे मरे थे ना, मार दिया मैंने अपने आप को, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तू कौन, तेरा परिवार कौन, तेरी जिंदगी में कौन सी घटना घटी, चाहिला मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। 30 सेकंड लगेंगे तेरे को खलास करने में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को। करता है, बोली थी मेरे काम में टांग मत अड़ाना वरना तेरी टांग इच। तेरा हाथ ला, गिफ्ट है मेरी तरफ से, इसको बोलते हैं ट्रैकर। मंजे तू किधर भी जाएगी ना तो मैं तेरे को देख सकेगी। अभी इस बैंक के रास्ते में किधर तू भटक गई गलती से, तो एक बात समझ लेना कि मैं अपने कोई तरह से तेरे परिवार के सदस्यों को काटना चालू कर देगी। और तेरे को मालूम है सबसे पहले किस पे चलेगा? ये तेरे सासरे पे। और दूसरा होगा तेरा ये पति, तेरा सुहाग उजाड़ने का है ना, अनि तीसरा, तीसरा अपना खास रिश्तेदार तेरा बाप, काट दिया खलास कर देगी मैं उसको। ये कामिनी, वो लॉकर का नंबर तो दे लड़की को, 100568। लेकिन हाँ, उसका पिन मेरे पति देव के पास है, आज से पहले तो उन्होंने मुझे पिन बताने की जरूरत नहीं समझी। अगर तुम हमारे रिश्ते को निभाने की जरूरत समझ जाती ना, तो आज ये पिन नंबर याद दिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
1810 मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन। हमारी शादी की डेट। देखो अबीर, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पे फेथ रखो। फेथ कैसे रखो? आप देख रहे हैं ना कितना कुछ हो रहा है हमारी फैमिली के साथ, खुशी के साथ। इट्स टू मच एंड कहीं ना कहीं आई फील आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। गलती मेरी ही है। अबीर ऐसा नहीं बोलते। तो और क्या बोलूं डैड, क्या बोलूं? मेरी खुद की माँ खुशी की जिंदगी मुसीबत में डाल दी उन्होंने, और खुशी हमारे परिवार के चक्कर में वहां पे चली गई। शेम ऑन। अरे कैसा हस्बैंड हूं मैं? मैंने अपनी बीवी को आगे कर दिया, अपनी खुद की बीवी को। मैं जिस पे पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैं यहां पे बैठा हूं हाथ पे हाथ रख। शेम ऑन मी, आई एम सच अ लूजर। नहीं, यू आर नॉट अ लूजर। और वैसे भी खुशी को पता है कि जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा, बल्कि कामनी की वजह से हो रहा है। ओके, तो डोंट ब्लेम योरसेल्फ। आई नो डैड, आई नो, पर आप देख रहे हैं ना मैं कितना हेल्पलेस फील कर रहा हूँ इस वक्त। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करूं मैं तो क्या करूं। वहां मेरी बीवी है जो इन सब चक्रों में फंसी हो, मैं यहाँ पे। रिलैक्स अभी, कुछ नहीं होगा। खुशी बहुत समझदार लड़की है, पता है वो क्या कर रही है। वो जो कुछ भी कर रही है ना, वो इस परिवार के लिए कर रही है, तुम्हारे लिए कर रही है। हैव फेथ, जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं होगा खुशी। ये डिस्कशन की दुकान, नाश्ता का एको नहीं लगवाया अभी तक। अपनी बकवास से ही अपना पेट भर दो कि कुछ खाते पीते भी हो। ये कामिनी मेरे को कुछ खाने को दे रहे, चाहे ना कल रात को भी तू मेरे को कुछ नहीं खिलाई। नहीं क्या तू? ये बाबा जा रहे, कुछ बना के ला मेरे वास्ते। ये घर है, तुम्हारे बाप का होटल नहीं है ये। ये सही है, लेकिन सबसे पहले मुझे इस ताले को तोड़ना होगा। लेकिन अगर मैं इस ताले को तोड़ने की कोशिश करूंगी तो शोर हो जाएगा और फिर वो दोनों गार्ड्स यहाँ पर आ जाएंगे। नहीं, मुझे कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। किसी भी तरह उन दोनों गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करना होगा मुझे। पर कैसे? जो भी है बस यही है, यही बना सका मैं। आई जस्ट होप कि आपको अच्छा लगे। आई लाइक इट, लाइक इट। डाल डाल डाल। शुक्र है अबीर, तुम्हें कुछ तो बनाना आता है। कि जिस तरह से तुम्हारी परवरिश हुई थी, मुझे लग रहा था कि तुम ठीक से बोल भी पाओगे या नहीं। स्टॉप इट प्रताप, क्या मिलता है तुम्हें मुझे ऐसे ताने मार के? हाँ ये आता बस। हाँ चाहिए, तुम लोग का मचमची जी नहीं खत्म होता है। ये पेट खाली है मैं बोली ना, अभी तुम लोग की ये बकवास से ना मेरा दिमाग भी खाली होने लगा है। अभी एकदम चुप, एकदम चुप बोले तो, चुपचाप मेरे को करने दो नाश्ता। ले अपने बेटे को मार। मैं कुछ नहीं करूंगा, चाहे तो मेरी जान ले लो। तेरे को मार के क्या फायदा? मारेगी तो मैं इस सबीर को। पापा प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज पापा मुझे कोई रास्ता दिखाइए प्लीज। ये कोड नंबर तो पूरा दिख ही नहीं रहा है, अब मैं क्या करूं?